हाय गाइस, बी टाउन हॉप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे भूल भुलैया 3 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भूल भुलैया फ्रेंचाइजी के अब तक हमें 2 सीक्वल देखने को मिल चुके हैं और अब बारी है उनके तीसरे सीक्वल की, जिनकी हाल ही में बहुत ही बस बना हुआ है। सोशल मीडिया पर दर्शक उनका बहुत ही इंतजार कर रहे हैं और हर एक छोटी छोटी जानकारियां जानने के लिए सोशल मीडिया पर टिक टिकी लगाए हुए बैठे हैं। और इन्हीं में हाल ही में खबर आई थी कि भूल भुलैया 3 का क्लैश हो रहा है सिंघम फ्रेंचाइजी के 3rd सीक्वल के साथ, जो बहुत ही बड़ा क्लैश होने जा रहा है। इस दिवाली पर बहुत सारे पटाखे फूटने वाले हैं। 1 नवंबर को 2 नेबल की 3 मूवी टकराएगी। इसी के साथ हाल में दर्शक बहुत ही बेताब है ये टक्कर देखने को लिए। 1 नवंबर को भूल भुलैया 3 और साथ में सिंघम 3 रिलीज होने वाली है और उनके ठीक एक दिन पहले 31 अक्टूबर को बघीरा मूवी भी रिलीज होने वाली है। यानी कि 3 मूवी सिनेमा घरों में टकराएगी। इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर बहुत ही बड़े बड़े पटाखे फूटने वाले हैं। भूल भुलैया फ्रेंचाइजी एक हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी है और सिंघम फ्रेंचाइजी एक एक्शन मूवी है, लेकिन हाल में देखा जाए तो हॉरर कॉमेडी मूवी का बस बहुत ही बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि स्त्री 2 मूवी रिलीज हुई थी और उनके सामने वेदा मूवी जो जॉन अब्राहम की थी और साथ में खेल खेल में मूवी जो अक्षय कुमार की मूवी थी वो भी नहीं टिक पाई थी। तो अब देखना होगा कि भूल भुलैया 3 के सामने ये सिंघम अगेन कैसे टिक पाती है। कुछ दिन पहले ये सी भी चर्चा चली थी कि रोहित शेट्टी अपने सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख 2 हफ्ते आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब तो वो भी जीत पर अड़े हैं। वो भी अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ाना नहीं चाहते है, वो ठीक 1 नवंबर को ही आना चाहते है, क्योंकि उनका कहना है कि पहले ही मैं इस मूवी की पोस्टपोन कर चुका हूँ, अब नहीं कर सकता हूँ। कई बार देखा है कि एक साथ बड़े पर्दे पर 2 मूवियों के आने से दोनों ही मूवियों का नुकसान झेलना पड़ता है, इसलिए कार्तिक आर्यन ने भी रिक्वेस्ट की थी। डायरेक्टर रोहित शेट्टी को फोन लगाया था और उन्होंने कहा था कि सिंघम अगेन की रिलीज की तारीख 2 हफ्ते बढ़ाने की ताकि दोनों का नुकसान ना हो। तो कार्तिक का कहना था कि अगर सिंघम अगेन 15 नवंबर को रिलीज की जाती है तो दोनों ही मूवी का फायदा होगा, लेकिन हाल ही में रिपोर्ट में बताया था कि कार्तिक की बात सुनने के बाद रोहित शेट्टी ने उन्हें बाद में जवाब देने की बात कही थी और रिपोर्ट में एक करीबी सोर्स के हवाले से कहा गया कि सिंघम अगेन दिवाली पर ही रिलीज की जाएगी। फिल्म की टीम इसकी रिलीज बदलने के मूड में नहीं है, यानी कि जो कार्तिक आर्यन का फोन लगाना था वो काम नहीं आया है। और साथ में सिंघम अगेन के डायरेक्टर ने ये भी कह दिया है कि अब 2 या 3 अक्टूबर को सिंघम अगेन का ट्रेलर भी लॉन्च होने वाला है और वो उनका मन पक्का है कि वो 1 तारीख को ही अपनी मूवी लेकर आएंगे। तो अब क्या होगा वो तो दिवाली के मौके पर ही पता चलेगा कि किसके पटाखे में दम है और किसका पटाखा फूस होता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और दोनों मूवी की न्यूज़ जानने के लिए बी टाउन हॉप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।